वेलकम बैक एवरीवन। आज हम एक और एस्पेक्ट को टच करेंगे जो कि नेविगेशन का ही हिस्सा है, वो है नेविगेशन प्रॉप। नेविगेशन प्रॉप हमने ऑलरेडी यूज़ तो किया है पिछले लेक्चर्स में, लेकिन नेविगेशन प्रॉप हमें और भी कुछ चीज़ें प्रोवाइड करता है, स्पेशली हाउ टू पास डेटा बिटवीन स्क्रीन्स। सो दिस नॉलेज इज़ एक्चुअली वाइटल टू क्रिएट डायनामिक एप्लीकेशंस, और जो यूज़र इनपुट है वो अक्सर आपको एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन के ऊपर चाहिए होता है। सो दैट इज़ वॉट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन टूडे, द नेविगेशन प्रॉप। नेविगेशन प्रॉप, उसका नेविगेट का फंक्शन हमने यूज़ किया है टू टेक अस फ्रॉम वन स्क्रीन टू अनदर, लेकिन उसमें और भी चीज़ें हैं लाइक ओपन एंड क्लोज द ड्रॉअर, या हम लिसनर्स ऐड कर सकते हैं फॉर द लाइफ साइकिल ऑफ द नेविगेशन, और भी ज़्यादा इसकी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आप जाकर देख सकते हैं वो जो हमें फंक्शंस प्रोवाइड करता है। लेकिन एक फंक्शन है जिसके ऊपर मैं ज़्यादा आपका फोकस करवाना चाहता हूँ, सिंस दैट इज़ यूज्ड इन एवरी अदर ऐप, एंड दैट इज़ पासिंग डेटा बिटवीन स्क्रीन्स। सो व्हाइल नेविगेटिंग अक्सर हमें ज़रूरत पड़ती है कि एक स्क्रीन का डेटा हम उठाकर दूसरी स्क्रीन के ऊपर पहुँचाएँ। इसकी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पर। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि मैंने होम स्क्रीन के ऊपर यूज़र नेम का राउट डाला है और वो डेटा मैं एक्सेस कर सकता हूं अब प्रोफाइल की स्क्रीन के ऊपर जाकर। अब मैं आपको एग्जाम्पल शो करता हूं कि आप प्रोफाइल स्क्रीन पर उसको कैसे गेट कर सकते हैं। इसके लिए हम यूज़ करते हैं राउट डॉट प्रैम्स, और क्योंकि प्रैम का नेम है यूज़र नेम, सो वी विल राइट राउट डॉट प्रैम्स डॉट यूज़र नेम। और इस तरह से जो यूज़र नेम या डेटा मैंने पिछली स्क्रीन से प्रोवाइड किया था वो इस स्क्रीन के ऊपर मैं गेट कर सकता हूँ। इसके अलावा एक और फंक्शन हमें ये प्रोवाइड करता है नेविगेशन का प्रॉप, वो है सेट प्रैम्स। सेट प्रैम्स को आप यूज़ करते हुए जो डेटा आपको पिछली स्क्रीन से मिला था आप उसको अपडेट कर सकते हैं। सो लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ दैट एज वेल। सो टुडे हमने अंडरस्टैंड कर लिया है कि ये जो डेटा को पास करने का मैकेनिज्म है फ्रॉम वन स्क्रीन टू अनदर, ये कैसे होता है। ये बहुत ज़्यादा लाजमी एक फंक्शन है बिकॉज दैट इज़ बीइंग यूज्ड इन एवरी अदर एप्लीकेशन एज वेल, और इट इज़ नीडेड फॉर सीमलेस यूजर फ्लोज ऑल्सो। अब हमने सब बेसिक्स रिएक्ट नेटिव के कम्प्लीट कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एक सैम्पल प्रोजेक्ट बनाएंगे और मैं आपको जो हमने सीखा है अभी तक सो फार उसका जो समरी है उसको मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा, एक एप्लीकेशन बनाऊंगा, और उस एप्लीकेशन में आप देखेंगे कि रिएक्ट नेटिव में जो क्लाइंट एप्लीकेशन मांगता है वो कैसे डेवलप की जाती है। सो दैट इज़ गोइंग टू बी अ फुल प्रोजेक्ट। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग 10 BDP रिएक्ट नेटिव बेसिक्स कोर्स।